सेंटर सेंटर यहाँ पे यहाँ पे मैम यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटर में थैंक यू फिल्म सिटी में यस सिटी कुछ भी नहीं पता है जा रहे जहाँ भी लेके वहीं पे मिल दो बाय मैम बस कर कितने छाप देगा और नंबर प्लेट लेके जाएगा घर पे क्या जी राइट पर क्या जी कौन है चलो जाओ जाओ क्या जी राइट पर क्या राइट पर राइट पर आगे देखो काम काम बाकी वाले मर जाओ जाओ क्या है इन लोग को चलो थैंक यू दादा दादा थैंक यू 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 चलो दादा चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो जा 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 लेके जा जा देखो क्या सीख लिया हमने बिल दो बिल दो अच्छा ये किसकी बहन है यहां पे किसकी है नूरा जी की नूरा जी की है नहीं यार नहीं यार चलते रहिए दादा प्लीज और मूवी में अच्छी सांस नहीं नहीं रोहित नीतू जी पीछे देखो पीछे अलग है अलग है यहाँ पर है अरे हटो यार ये भाई भाई तुम अभी बोल रहा पीछे ले फोन पीछे ले अरे रिक्शा वाला फोटो दो ना यार कार्तिक भाई वापिस अरे भाई गिरा देगा पीछे हमें गिर जाएगा हाथ थोड़ा पीछे ले अरे हाथ हाथ ले अरे पैसा दे पैसा रोहित पैसा दे दे ये रिक्शा वाले पैसा दे बात के लिए रोहित पैसा दे दे रोहित पैसा दे रोहित पैसा दे अरे रिक्शा वाले बुलेट पे और कुछ नया अभी वहाँ से वहाँ तक जाने का वो क्या डन विश्राम करूँ अरे बोल अरे भाई पीछे ही तो तुम लोग अभी है उधर पे भी बैग पकड़ के खींच गए अरे यार क्या कर रहा है अभी क्या
Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life. I never miss, that's facts, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? That's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Stage, ladies and gentlemen, uchit duri banaye rakhe. The one, the only, the gorgeously talented Kiara Advani, ladies and gentlemen. Welcome, welcome, welcome. And now the very versatile, matlab screen pe aate hi, matlab khushi ke beej bo dete hain ye. Give it up for Rajpal Yadav sir. और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, ही इज द किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये नहीं कह सकते कि इतनी फिल्में इतना ये, मैं सिर्फ यही कहूंगा डेकेड्स के हिसाब से इन्हें प्यार मिला है. करीब करीब 40 सालों से नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर बट ऑल्सो एज अ राइटर हमारा दिल जीता है. फिल्मों की अगर मैं बात करूं 50 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स एज अ राइटर. शोला और शबनम याद है? बोल राधा बोल, आंखें, राजा बाबू मुझसे शादी करोगे और न जाने कितनी सारी फिल्में. डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यार तो होना ही था, हो गया. नो एंट्री चाहे कितने ही बोलते रहे, एंट्री सबने ली इनके दिल में. वेलकम सिंह इज किंग एंड नाउ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर लेडीज एंड जेंटलमैन, भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस बाजमे. सर किल कर रहे हो आप, फीमेल फैन फॉलोइंग सर आपकी भी भयंकर है बाहर, ये बोल सकता हूं मैं, है ना. एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन अ विजनरी. आई ऑलवेज से ही इज अ विजनरी हु इज नॉट जस्ट बैक दिस प्रोजेक्ट बट इसके जैसे न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स को दिल जिगर से ही इज बिन सपोर्टिंग. ही इज रूल्ड, he's ruled and owned the music space for decades. और पिछले एक दशक से सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो के बॉस लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर भूषण कुमार. वेलकम सर, वेलकम. एंड नाउ
Someone who's super, super humble. Jitni baar bhi mulaqat kar lo, he is super humble, always smiling. And yes, unko pata hai audience ki nubs kaise pakadni hai. Give it up for producer saab Murad Khetane. Before we ask them the questions, jo ki maine likh ke rakhe hain, main tayyar hoon. I'll give you all a mauka. A quick photo op. Go click, click, click. Jaldi se mics bhi nahi hai, abhi kar lo. Phir aata hoon wapis. Ji, ji, ji. Thank you so much. Can we have the mics, please? Ji, aa jaiye. Shukriya. Kartik, sabse pehla sawal hi mera aapke liye hai. Aur wo ye hai ki yahan logon ka bhoot utarte nazar aa rahe hain aap, hai na? लेकिन रियल लाइफ में जो रू बाबा का ये भूत दुनिया पे चढ़ा है, जिसका सबूत यहाँ पे थिएटर के बाहर एनीवेयर एंड एवरीवेयर देखने को मिल रहा है, उसका क्या बाबा? उसका क्या करोगे? उसका क्या एंजॉय करूंगा, है ना? उसको क्यों भगाऊंगा? उसको नहीं भगाऊंगा, यहाँ लोगों के सरों पे चढ़ रहा है ना? 100%. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा. सब लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे सब लोग आए हैं हमारा ट्रेलर देखने के लिए. थैंकफुली टाइम बहुत अच्छा हो रहा है कि जिस टाइम हम लोग काफ़ी टाइम बाद हम शायद से इतना बड़ा इवेंट एक कर रहे हैं. Seriously? ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं. सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर. एंड ऑफकोर्स जिस तरीके से आपने तालियां बजाई, हंसे हमारे साथ और डरे भी, आई थिंक ये बहुत वैलिडेशन होता है जो हमें चाहिए होता है, और वो वैलिडेशन आप लोगों ने दिया, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू सो मच. वेरी गुड, वेरी गुड. जोश ऐसे ही चलते रहना चाहिए. कियारा, दिस वन्स फॉर यू. यू नो, अगर मैं बोलूं यू आर द लकी चार्म ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त, तो गलत नहीं होगा. और इंडस्ट्री को इस समय चाहिए भी एक लकी चार्म, वैसे ये भी असली बात है. तो यहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स जो आपने दी हैं, कबीर सिंह हो, शेरशाह हो, गुड न्यूज़ हो, तो व्हाट डू यू हैव टू से? मतलब खुद कैसा लग रहा है अब ये भूल भुलैया 2 अभी से ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हो गई है? ऑनेस्टली फर्स्टली जैसे कार्तिक ने कहा, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे. बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ यहाँ पे. आई थिंक दिस क्लैप इज फॉर यू ऑल ओनली फॉर बीइंग हियर. हमारे लिए आई थिंक ऑनेस्टली इज वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज दिस एंटायर टीम, मुराद सर, भूषण सर, माई सेल्फ, वीव गिवन अ बिग ब्लॉकबस्टर कबीर सिंह बिफोर. सो आई फील वी आर कमिंग बैक. द एनर्जीज आर लवली एंड दिस इज वेरी स्पेशल क्योंकि ये फिल्म 3 साल से हम शूट कर रहे हैं. So I know how close it is to Anees sir, to all of us, to Karthik, to each one of us, Mannu, our DOP, everyone sitting here. It's like 3 saal ke liye we've been sitting, waiting to show you all this film, working very hard to make it what it is. So bas abhi 20th May ko pata chalega if y'all have enjoyed it as much as we have. Thank you. Dikh raha hai yahan pe, Josh dikh raha hai. Rajpal sir, I have a question for you. Kai dashakon se logon ke dilon mein jo jagah aapne banayi hai, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर वहाँ खड़े हैं, तो सर आप भी मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट में एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं. हाउ डू यू रीइन्वेंट योरसेल्फ सर? क्या उसके पीछे एक सीक्रेट है, प्लीज बता दो. सर, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगनिंग डे. मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है अभी. बस देखो, दैट्स व्हाई ही इज द राजपाल यादव, लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑफ कोर्स सर, बहुत बहुत कमाल की बात आपने बोली. अनीस सर, दिस वन्स फॉर यू. प्लीज मुझे बताइए कि इट्स अ फ्रेंचाइज जिसको आगे लेके जा रहे हैं एंड यू've कंप्लीटली ओन्ड इट. मतलब इतनी बस हमने किसी और चीज के लिए नहीं देखी है. जिस दिन से ये अनाउंस हुई थी फिल्म, उस दिन से लेके अब तक, एंड आई एम श्योर टी सीरीज के साथ ये और आगे तक बस चलने ही वाली है. व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दिस लव दैट यू आर गेटिंग? हाय एवरीवन, हाय हाय हाय, थैंक यू. दोस्तों, ये जो फिल्म है ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ख़ास फिल्म है, इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा जो पहली फिल्म थी हमारी अपना भूल भुलैया, उसमें आप लोगों ने और जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस पिक्चर को. तो इसको जब इन्होंने मुझे बताया, भूषण जी ने और अपना मुराद भाई ने कि ये फिल्म, तो वो नेचुरली एक टेंशन तो होती है एज अ राइटर डायरेक्टर आपको कि क्या है, लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी. और हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा था कि भाई
ये पहली फिल्म जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे हमारे प्रियदर्शन जी, अक्षय, बहुत अच्छे इन लोगों ने काम किया था। तो उससे ये सेकंड फिल्म बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं हो, और अगर बिल्कुल वैसी नहीं हो तो लोगों को लगता है कि ऐसी क्यों नहीं है। तो वो एक बहुत ही बिल्कुल थिन लाइन होती है कि आपको एक फिल्म वो बनानी है जो पहली फिल्म की एक थोड़ी सी याद दिलाए, झलक दिखाए, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं हो। तो ये एक कोशिश की है एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, आप लोगों की दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच सर। एंड एज आई सेड, और ये पब्लिक के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, यू हैव कंप्लीटली ओन्ड इट एंड
चलो कार्तिक भाई, सोलो बाकी है, सोलो बाकी है। सबको बड़ी वाली बेटा पीछे 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 किसका हाथ आ रहा है भाई भाई पे मेरे को नहीं देख देख अरे बोल रहे हो एक नंबर ड्रेसिंग है सर। अरे ये वाला सही था मैम, थोड़ा बाहर आइए। नाइस पिक्चर कार्तिक सर। अभी लेते हो तू मेरे को बाहर करके तू अंदर चला रहा है। कार्तिक सर अरे जा रहे हैं मुझे बोलो यार। कार्तिक सर एक सर सर एक प्लीज प्लीज राजपाल सर राजपाल सर सर आ जाओ दो मिनट। एक सोलो तो सर आ जाओ सर दो मिनट। अरे भाई ए पीछे भाई पीछे पीछे ए पीछे अभी तो एंट्री शुरू हुई है। अश्वल सर कार्तिक सर सर प्लीज प्लीज सर थैंक यू चलो वहाँ पे सीलिंग पे भेज रहा हूँ ना आपको। पहले इधर फोटो तो मारो, फोटो भी तो मारो, थोड़ा दोनों शैडो में आ जाओ ना। हम शैडो में आइए ना दोनों दोनों शैडो। बस 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 ग्यारह यू वांट ग्यारह जी ग्यारह जी यहाँ पे ग्यारह में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दोनों यहाँ पे ग्यारह जी यहाँ पे यहाँ पे एक दी मैम यहाँ पे सोलो जी सोलो हाँ भाई हमेशा टाइमिंग क्या बोला इसने जी यहाँ पे ब्लैक शर्ट यहाँ पे देखे हमने पाप किया थैंक यू। फील्ड क्लियर फील्ड क्लियर अरे क्या हो गया भाई यहाँ पे कार्तिक भाई सेंटर में और यहाँ पे
हार्दिक भाई ऑन द लेफ्ट, ए सामने आते पाते भाई ऑन द लेफ्ट, भाई यहां पे सीधा बस हुआ यहां पे ही करना है भाई। चलते आपके पीछे बहुत लोग हैं, अभी आप देख लो। थैंक यू। फ्लोर पे साथ में फोटो करना प्लीज। थैंक यू सर। जाओ फिर वहाँ डांट सर आप लोग नहीं सोलो बाद में करते हैं, आप दोनों का साथ में क्या रहा जी भाई यहाँ पर जी यहाँ पे अरे तो वीडियो है ना यहाँ पे वीडियो वाले क्या बात है चलो सोलो ग्यारह जी का कहूँ।